लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शिवा ही दीनदयाल का कातिल है। लिहाजा अदालत ताजरात हिंद दफा 302 के तहत शिवा को सजाए मौत देती है। मेजर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। आपने सिर्फ कलम की नींव नहीं तोड़ी, सच्चाई और इंसाफ की भी गर्दन तोड़ी है। मैंने किसी का खून नहीं किया जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। फांसी वाला है क्या? हाँ। शक्ल से तो खून बिल्कुल नहीं लगता। हाँ ये सच है, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, भगवान की कसम मैंने किसी का खून नहीं किया।
सुना बेटे तू अनाज बेचने शहर जा रहा है? हाँ बापू। लेकिन बेटे हम जमींदार के कर्जदार हैं। हाँ हम कर्जदार हैं बापू, हमने उनसे रुपए लिए हैं तो रुपए के बदले में रुपए देंगे, अनाज क्यों देंगे? वो हमारे 10 रुपए के अनाज का 1 रुपए का भाव लगाता है। हाँ बेटे ठीक है, लेकिन ये रीत तो बरसों से चली आई है जिसे हमें मानना पड़ता है। बापू अगर इसी तरह हम इस रीत को मानते रहे तो राधा की आंखों का इलाज कैसे होगा, मुन्ने की पढ़ाई कैसे होगी? लेकिन बेटे तेरी इन बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है, ठाकुर बड़ा नाराज होगा, वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटे। हम तो वैसे भी मर रहे हैं बापू, एक बार जीने की कोशिश करके तो देखें। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते साला चोर, जब खिसकते खिसकते पकड़े गए तो नमस्ते। अरे तुम होशियारी से जितना रिलेशन जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये लाला सब समझता है। ठाकुर साहब ये बागी हो गया बागी। नहीं ठाकुर साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी फसल शहर ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। आज तक किस गांव से मुट्ठी भर अनाज भी शहर नहीं गया और तू अपनी पूरी फसल का रिलेशन वहां जोड़ना चाहता है? और जब पकड़ा गया तो नमस्ते। भूल गया इस गांव का इतिहास, यहाँ पे जो भी फसल बेची जाती है ठाकुर साहब को बेची जाती है। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब हमारी ज्यादातर जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है, और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है अगर उसकी फसल भी आपके पास बेच दूं तो मैं अपनी अंधी बहन की आंखों का इलाज कैसे कराऊंगा ठाकुर साहब? और आप भी हमें फसल की कीमत बहुत कम देते हैं ठाकुर साहब। ये तो आपका ऑपरेशन करके आपका रिलेशन बुराई के साथ डायरेक्ट जोड़ रहा है। मुझे तो माँ के पेट से ही बुराई सुनने की आदत है। आगे बोलो। बस ठाकुर साहब मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे शहर जाने दें। ठाकुर साहब ऐसा मत करना ठाकुर साहब, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। अगर एक को जाने दिया ना तो सारा गांव चिंटियों की तरह लाइन बनाकर अपनी अपनी फसल लेकर शहर को चला जाएगा। तो इसमें बुरा ही क्या है लाला, किसानों को अपने पसीने का जायज हक तो मिलना ही चाहिए। जायज? इस शब्द से मेरी मुलाकात बचपन से आज तक नहीं हुई। मैं ठाकुर सुजान सिंह की जायज बीवी का बेटा नहीं, बल्कि मैं उनकी नाजायज औलाद हूं, और जो शुरू से नाजायज हूं उससे जायज हक की बात नहीं करते। उठा लो इसका नाच। अबे ओ ठाकुर, जिन लोगों के खून पसीने से तेरी हवेली में रौनक है उन्हीं पर जुल्म की इंतहा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं बेटे, मैंने तो इसे जाने से पहले रोका था। शिवा कैसे हो बेटे? हुसैन कहाँ है बापू? यही है बेटे तुम्हारे पास। हुसैन 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 तू ठीक है ना? अब मैं
शहर जाऊंगा बापू। क्यों बेटे, क्यों शहर जाना चाहता? मैं शहर में अपना अनाज नहीं बेच सकता, लेकिन अपनी मेहनत तो बेच सकता हूं। मैं वहां मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर दादा की आंखों का इलाज कराऊंगा, मुन्ने की पढ़ाई कराऊंगा।
प्यारा दुनिया भर के खुशी लुटाओ इन चरणों में उम्र बिताओ कभी गिरे जो लाठी मेरी हो कभी गिरे जो लाठी मेरी पढ़ के उसे उठाना परदेसी लौट के आना चिट्ठी है का? अरे नहीं काका आज नहीं आई आएगी तो दे जाऊंगा राधा राधा ओहो राधा मैं जब भी इस गांव में चिट्ठियां बांटने आता हूं मेरी साइकिल की घंटी सुनकर तू हमेशा मेरे पीछे दौड़ती है और किसी ना किसी चीज से टकराकर गिर पड़ती है कहीं ना कहीं चोट लग जाती है और आज तो ये खून इसकी चिंता मत कीजिए अंधी हो ना गिरने की तो अब आदत सी पड़ चुकी है मैं जानती हूं आज भी मेरे भैया की कोई चिट्ठी नहीं आई होगी लेकिन तुम्हारी साइकिल की घंटी हर बार मेरी उम्मीद को जिंदा कर देती है राधा आज के बाद मैं अपनी साइकिल की घंटी इस गांव में उसी दिन बजाऊंगा जिस दिन तेरा भाई लौट कर वापस आएगा भगवान करे वो दिन जल्दी आए देवी मां जिस दिन मेरे पति लौट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी और दूध में अपने बालों को डुबोकर उनसे तेरे फर्श को धोऊंगी बस मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे मां मेरे पति को जल्दी वापस भेज दे साइन करना यह तुम्हारी तरफ से अपील करने के कागजात हो सकता है कि इससे तुम्हारी सजा कम हो जाए या माफ हो जाए राधा
मुझे नफरत है तुम्हारे कानून से। लेकिन तुम अपनी जिंदगी से नफरत क्यों करते हो? मैं 10 साल से जेलर की पोस्ट पर हूं, फांसी वाले मुजरिमों से एक ही सवाल पूछता आया हूं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन तुम पहले एक ऐसे आदमी हो जिसकी अपील के लिए कागजात मैंने तैयार किए हैं। लेकिन ये दया किस लिए? मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अगर दोषी को सजा देना हमारा काम है तो निर्दोष को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। और फिर एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? मैं तुम्हारी अपील के कागजात फिर से तैयार करवा देता हूं, उन पर साइन कर देना, वरना मैं तुम्हारी मौत को सजा नहीं मानूंगा बल्कि यह समझूंगा कि तुमने खुदकुशी की है। नहीं नहीं लाला, ऐसा जुलम मत करो। जुम से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। राहु केतु जी लाला का कोना कोना छान मारो, जो कुछ मिले उसे उठा ले चलो। नहीं, नहीं। इनको रोको ना। हाँ हाँ रोको, खड़ी की हो रोको। लाला को ब्याज की वसूली से सिर्फ वही रोक सकता है जिसका पैसे के साथ कोई रिलेशन हो। तेरे पास तो दमड़ी भी नहीं है, है? ये टूटा मटका कहाँ लेके जा रहा है? अरे लाला, जिसका नसीब ही फूटा हो उसके यहाँ से तो टूटा फूटा सामान ही निकलेगा ना। इसको रख दूँ या ले जाऊँ? नहीं नहीं, लेके जा, कोई चीज नहीं बचनी चाहिए। इसे तो रहने दो, खाना पकाने के लिए सिर्फ यही एक बर्तन रह गया है हमारे पास। लाला हम पे दया करो, उनके आते ही हम सारा कर्ज चुका देंगे। सारा कर्ज चुका देंगे? 1 साल से ये भजन सुनते सुनते मेरे कान पक गए, अब तेरी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। चल जा चल जा चल जा। हाँ वैसे मैं ब्याज का और तुम्हारा रिलेशन कट भी कर सकता हूँ, ऊपर से अनाज के भरे भरे बोरे यहाँ पर रखवा भी सकता हूँ। शर्त सिर्फ ये है कि तुम मुझसे अपना रिलेशन बना ले। लाला। हाँ मैं जानता था टूटा बर्तन बहुत जोर से आवाज करता है। लाला से रिलेशन बढ़ाओगी तो हर रात दिवाली, नो रिलेशन नो दिवाली बट दिवाला। आज रात को आ रही है ना? लाला जी जोर का थप्पड़ तो नहीं पड़ा? लाला जी इसे भी बही खाते में लिख दो। मेरी एक बात तू कान खोल कर सुन ले, एक दिन मैं इस घर की ईंट तक नीलाम करवा दूंगा। मेरा और इस घर का बहुत गहरा रिलेशन है, ये थप्पड़ तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। भाभी चिंता मत कर, भैया जल्दी आ जाएंगे। शिवा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी अपील नामंजूर हो गई। ये तुम्हारे नाम का ब्लैक वारंट है, फांसी में अभी 2 दिन बाकी हैं। क्या इस बीच तुम किसी से मिलना चाहोगे? किससे? जज साहब से। ऐसी घड़ी में लोग अपने रिश्तेदारों घर वालों या दोस्तों से मिलना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उससे मिलना चाहते हो जिसने? हाँ। मुझे उन्हीं से मिलना है। मगर क्यों क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उन्हीं से मिलना है। मुझे उन्हीं से। सॉरी सर, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, जरूर कोई खास बात होगी। यस सर। सर मेरी जेल में कैदी है शिवा, जिसे आपने सजाए मौत दी थी। उसे कल सुबह फांसी होने वाली है और उसने एक अजीब किस्म की मांग की है। क्या? फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहता है। मुझसे क्यों?
यही सवाल मैंने उससे किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप उसे मिलने आएंगे ना सर? देखो, मैं भी वादा नहीं कर सकता। ओके सर। ये जेलर साहब सुबह सुबह क्यों आए थे? कोई चिंता की बात है क्या? शिवा आ गया बहू। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं स्टेशन चलता हूँ। नहीं बाबूजी, वो बच्चे तो नहीं है। जिस दिन उन्हें आना है अपने आप घर तक पहुँच जाएंगे। आप खाना खा लीजिए। वो बच्चा ही तो है बहू। पता नहीं हमसे किस बात पे नाराज हो गया है। देखो ना, अब तक एक भी चिट्ठी नहीं डाली। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है वो जल्दी आ जाए तो मैं गंगा स्नान करने चला जाऊं। साहब से मिलना चाहते थे ना? तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर भी आपने मुझे फांसी की सजा दी। मुझे सजा से इनकार नहीं, लेकिन सजा पाने से पहले मैं आपको भी एक सजा देना चाहता हूं। सजा? घबराइए नहीं, मेरी सजा फांसी के फंदे की तरह भयंकर नहीं। आपके लिए सजा सिर्फ इतनी है कि मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को आप देंगे। मेरे बूढ़े बाप को, मेरी बीवी को, मेरी अंधी बहन को और मेरे मासूम बेटे को मेरे मरने की खबर आप अपने मुंह से सुनाएंगे। सुनिए, ये शिवा का घर कहाँ है? शिवा? अभी अभी तो उसके बाबा उसे इसी गाड़ी में ढूंढ रहे थे। महीनों से यहाँ आने जाने वाली हर गाड़ी में वो अपने शिवा को ढूंढते रहते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन आप? मैं तो वो... आप शहर से आए ना? हाँ। कैसे हमारे शिवा भैया? चाचा, अपने दादू को कहीं देखा है? ये मुन्ना शिवा भैया का बेटा। बेटे, ये शहर से हैं, तुम्हारे बापू के दोस्त हैं। अच्छा? इन्हें जल्दी से घर ले जाओ। अच्छा? भाभी बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ बेटे, चलिए। हाँ। माँ, माँ, क्या हुआ मुन्ना? बुआ, बुआ, शहर से बापू के दोस्त हैं। भैया के दोस्त? कहाँ है वो? यही तो खड़े हैं। नमस्ते। नमस्ते।
मुन्ना जल्दी से हाथ मुंह धुलाकर इनको बिठाओ ना, ये खबर सुनते ही भाभी खुशी से पागल हो जाएगी। अरे मुन्ना तू मंदिर जा, भाभी वहीं होंगी, उन्हें जल्दी बुला ला। अरे बुलाने की भी क्या जरूरत है, उनको जैसे पता चलेगा वो खुशी खुशी दौड़ी चली आएंगी। मेरी बुआ तो फास्ट ट्रेन की तरह है, जो जल्दी रुकती ही नहीं। अरे तूने उस वक्त देखा नहीं जब मेरी आंखें थी, अभी तो सिर्फ मेरी जबान चलती है, वरना उस समय शिवा भैया की एक आवाज पर पूरा गांव एक ही सांस में दौड़ती हुई पार कर जाती थी। हाँ अब चल भाग यहाँ से। बहुत बदमाश है मुन्ना, कह रहा था भैया के दोस्त बहुत ठाट बाट में है। खूब अच्छे है ना मेरा भैया, वो रहते कहाँ है, वो खुद ही खाना बनाते हैं या होटल में खाते हैं, बहुत काम करते होंगे ना मेरे भैया। इस मामले में हम बहुत सुखी हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, भैया का इंतजार करना, कब आएंगे मेरे भैया। माँ माँ शहर से बापू के दोस्त आए। मुझे मालूम है भैया जब ढेर सारे रुपए कमा लेंगे तभी आएंगे, वो तो शुरू से जुबान के पक्के और सच्चे हैं। आप तो उनके दोस्त हैं, आप ही बताइए उनको कभी झूठ बोलते हुए सुना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया। सबको मानना ही पड़ता है इसलिए कि भैया कभी झूठ बोलते ही नहीं। बुआ ये क्या कर रही हैं आप? आज करवा चौथ है, आज के दिन पति का संदेशा लाने वाला ईश्वर के समान होता है, और ईश्वर के चरण छूना तो धर्म है। करवा चौथ के दिन तो यमराज भी सुहागनों से डरे डरे फिरते हैं। राधा तुमने इनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? भाभी अभी तक तो सिर्फ मैं अपनी बकबकी खिलाती रही, भाभी नाराज मत होना मैं अभी लाई। हाँ एकदम पगली है, राखी के दिन वो थे नहीं और ना ही उनका पता था हमारे पास कि हम यहां से उनको राखी भेज सकें, फिर भी राधा ने राखी खरीदी और उसे अभी तक संभाल के रखा है। वो कहती है मैं इसे भैया को ही बांधूंगी, अब तो राखी का रंग भी उड़ चुका है। अरे भाभी रंग भले उड़ चुका हो मगर धागा तो वही है, बंधन धागों का होता है रंगों का नहीं, क्यों ठीक है ना भाई साहब? ये लीजिए। ये इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे ही 4 बजे वाली गाड़ी से जाने वाला था। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसी क्या बात है जो आज तक उन्होंने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी, उनसे कह दीजिएगा मैं तो कैसे भी जी लूंगी, लेकिन कम से कम अपनी अंधी बहन बूढ़े बाप और मुन्ना का तो ख्याल करते। जब भी ये डाकिये की साइकिल की घंटी सुनती है तो पागलों की तरह दौड़ जाती है, और बाबूजी को रेल की सीटी में उन्हीं की आवाज सुनाई देती है जैसे वो बापू बापू पुकार रहे हो। अगर वो हमारी किसी भूल की सजा देना चाहते थे तो उनसे कह दीजिएगा कि हमने काट लिया सजा, अब और सजा हमें न दे और जल्दी चले आए। मैं चलता हूं। वो उन्होंने कुछ ये रुपए दिए थे, मेरी तरफ से भैया को यह कह दीजिएगा कि मुझे आंखें नहीं चाहिए, उसके लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस लौट के आ जाए। और मुझे खिलौने भी नहीं चाहिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, हाँ बेटा तू बड़ा हो गया। हाँ मैं ये सब उनसे कह दूंगा। हाँ सब कह दूंगा उनसे। हाँ सुनिए आपसे एक प्रार्थना है, अगर वो
किसी कारण कभी घर नहीं आना चाहते हैं, तो वो जहां है वहीं हम सबको भी आप पहुंचा दीजिएगा। सुनो भाई, सुनो भाई, भाई सुनो, मैं राम प्रसाद हूँ, शिवा का पिता। तुमने शिवा का संदेश लेके आओ ना। जी हाँ। बेटे जरा चुको, चुको बेटे। बरसों के इंतजार ने मेरी आंखों की रोशनी धुंधली कर दी थी बेटे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों को छूकर मैंने अपने बेटे की तस्वीर देख ली। करीम, ये देख, ये मेरे बेटे का संदेश लेकर आए। अरे चौधरी, वो मेरे बेटे के दोस्त हैं वो। बेटे, ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं, कहते वो कभी वापस नहीं आएगा। देखो बेटे, अगर तुम उससे मिलो तो ये कह देना कि पहली गाड़ी से वापस आ जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बेटे कह दोगे ना? जी। अरे बहू साहब, मैं हुसैन हूं साहब, शिवा का दोस्त। आप उसे सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि उसके बिना मैं अधूरा हो गया हूं। बहुत याद करता हूं उसे। ये रुपए महीने भर के राशन के लिए, और ये मुन्ना तुम्हारे स्कूल की फीस के लिए, ये तेरे घाघरा चोली के लिए, और ये रुपए बाबूजी के इलाज के लिए। नहीं, ये सब का सब ब्याज के लिए। शांति, तेरे को सब कुछ याद रहता है, लेकिन अपना और ब्याज का रिलेशन याद नहीं रहता। लेकिन अपना रिलेशन भी डायरेक्ट उस कुत्ते की नस्ल से है जो नोटों की खुशबू सूंघते ही उसमें झपट पड़ता है, ताकि ब्याज और वसूली का रिलेशन अपनी जगह बना रहे। लाला से रिलेशन तो दिवाली, लाला से नो रिलेशन नो दिवाली, दिवाला। माया तेरे तीन नाम, परसी परसा परसराम। अरे बहू, बहू आज हमारे घर के लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे बहू, शिवा का पहली बार संदेश आया है। तू एक काम कर, मीठे मीठे पकवान बना, बड़ी भूख लगी है मुझे। लेकिन हाँ, उसे पहले गरम गरम पराठे बना दे, दाल में छोंक लगाना मत भूलना। जा जल्दी कर, जाना, जा बेटी जा, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे बहू, तूने चूल्हा क्यों नहीं जलाया अभी तक? भूख लगी है मुझे बहुत, जल्दी कर बेटे। नहीं नहीं बहू, मुझे खाना नहीं खाना। शिवा आ गया है बेटे, मैं जा रहा हूँ, वो आ गया है, मैं जा रहा हूँ बेटे। तूने क्या किया बोल? तेरे दादाजी के साथ वैसे भी कुदरत मजाक कर रही है, अब तू भी उनके साथ मजाक करने लगा। मैं क्या करता माँ, मुझे मालूम है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ा। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जब किसी को फांसी लगती है तो सिर्फ वो नहीं मरता, उसके साथ किसी की उम्मीद, किसी का इंतजार,
किसी का सहारा और किसी की सिंदूर को भी फांसी लग जाती है। ये मुजरिम कौन है? ये शंकर है, इस शहर का सबसे खतरनाक गुंडा। डाका डालने से लेकर मर्डर करने तक कई केस हैं इस पर, मगर इसको सजा आज तक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लोग इससे इतना डरते हैं कि इसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए इसको हर बार बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मेरा नाम खानम है, यहाँ बड़े बड़ों को नचा दिया मैंने, चल कैसे नहीं चलेगी, चल नहीं नाचेगी, खानम के साथ ज्यादा लफड़ा नहीं, चल। प्यार की
अरे क्या हुआ भाई, ये थोड़ी नाश्ती मिल रही है। क्या हुआ, नाश्ती क्यों नहीं? अरे पैसे दे रखे। मैं कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ नाच, नहीं नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी, तेरी तो अम्मा भी नाचेगी। साला सुबह सुबह कौन टेंशन देने आ गया। उठो ना। ये लो, चलो उठो। अरे बाप रे। जज साहब, आप तुम मुझे कैसे जानते हो? साहब, जैसे हर जज को मुजरिमों की जन्म कुंडली का पता है ना, उसी तरह हर मुजरिम को जज की जन्म कुंडली का पता है। आपने 11 नवंबर 1980 को यहां ज्वाइन किया और आपका पूरा नाम है राजीव वर्मा, जज राजीव वर्मा। तुमने सिर्फ आधा ही सच बोला है। तुम ये भूल गए कि जज सिर्फ जन्म कुंडली ही नहीं लिखते, मौत की कुंडली भी लिखते हैं। यहां किसकी मौत की कुंडली लिखने आ गए? मैं यहां एक जज के हैसियत से नहीं आया, इंसानियत के हैसियत से आया हूं। ये लो, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। किन लो। जैसा आप उनमें से हैं जो नोट गिनते नहीं, तौलते हैं। पूरे 50,000। नाम बताओ, किसका करना है?
बात दरअसल ऐसी है कि साहब अपन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। जाइए, मैंने कहा ना जाइए। शंकर, तुमने तो बहुत गुनाह किए, आज एक अच्छा काम करने का मौका मिला, तुमने इनकार कर दिया। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो तुम इस काम को करना मंजूर कर लो। कोशिश तो करके देखो, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। राधा, तेरा शिव भैया आ गया। मेरे भैया आ गए? सच मेरे भैया? हाँ राधा सच, मैंने अपनी आंखों से उन्हें स्टेशन में देखा है। भाभी, भाभी, भाभी जल्दी आइए ना। क्या हुआ? भाभी, भैया आ गए, मेरे भैया आ गए। मुझे जल्दी से उनके पास ले चलिए, मुझे ले चलिए। माँ, क्या बात है? क्या हुआ? मुन्ना, तेरे बापू आ गए। सच, बापू आ गए? तेरे बापू आ गए। ए शिवा, क्यों बे, शहर जाता ही रंग बदल लिया? अरे अरे, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? मैं हुसैन हूं, तेरा दोस्त, तेरा जिगरी यार। देखा कैसा नाटक किया। इतने दिनों के बाद गांव लौट रहा हूं, मैं भी देखना चाहता था कि तू मुझे पहचानता है कि नहीं। धोखा खा गया ना, चल अभी गले लग जा। अरे तू क्या अभी घूर घूर के देख रहा है, चल गले लग। अबे गले लग। अरे क्या होगा तेरे को, चल गले लग। तेरे शहर जाने के बाद ठाकुर का जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गया। और दोस्त, जब मैंने आवाज उठाई ना तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया दोस्त, बिल्कुल अकेला। और एक दिन ठाकुर और उसके आदमियों ने जो भी चीज मेरे गले में डाली जाती है वो मेरी हो जाती है, जैसे ये हार इनके गले में इनका हो गया। यार है, तुमने भी कभी अपने हाथ मेरे गले में डाले थे, इसीलिए तुम्हारे दोनों हाथ भी मेरे हो गए, मेरे। और तुम प्यार से तो दोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथों का रिलेशन तुम्हारे बदन से एक ही झटके में अलग कर दिया जाएगा। ठाकुर, तू क्या समझता है, हाथ नहीं रहने से हुसैन जीते जी मर जाएगा? हरगिज नहीं। हाथ नहीं रहने से यही होगा ना कि मैं अपने हाथों को तलवार की तरह हवा में नहीं लहरा सकूंगा, मगर मेरी आवाज से इनकलाब के शोले उठते रहेंगे। हाथ नहीं रहने से यही होगा ना कि मैं अपने हाथों को दुआओं के लिए नहीं उठा सकूंगा, मगर मेरी दुआओं की तासीर में कभी कमी ना होगी। और तुम दोनों ये सोचो और ये याद रखो कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। और ठाकुर, आज जो यहां खून बहेगा वो हुसैन का होगा, और वक्त इस बात का गवाह है कि हुसैन का खून कभी बेकार नहीं जाता। अरे देखते क्या हो, काट डालो इसके हाथ। लाला,
मुझे अपने जीत पर हंसने की आदत नहीं, तू हंस मुझे। खैर कोई बात नहीं दोस्त, हाथ नहीं रहे तो क्या हुआ, दुआओं की तासीर में कभी कोई कमी नहीं आती, ये मेरी दुआओं की तासीर है जो आज तू मेरे सामने खड़ा है। दूर हो गई देवी मां, जिस दिन मेरे पति लौट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी। मैंने वादा किया था मां, जिस दिन ये आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे दर्शन कराने यहां लाऊंगी। वो आ गए हैं मां, अब मैं तेरा ये फर्श अपने बालों से धोऊंगी। तू आ गया मेरे बच्चे, मेरे बच्चे शिवा, तू आ गया, तू आ गया मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। अब तू तू मुझसे दूर नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, बोल बेटे, बोल बेटे, नहीं जाएगा ना बेटे, तू नहीं था ना तो पूरा घर खाली खाली सा लगता था, और वो खालीपन मुझे डरते हुए आता था बेटे। ऊपर से गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू कभी लौट के नहीं आएगा, और ये सुनकर मैं पागल सा हो जाता था बेटे। लेकिन तू अब आ गया है ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा बेटे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखो गांव वालों, देखो मेरा बेटा वापस आ गया है, शिवा वापस आ गया है, देखो इसे, शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदलाइए। कल तक तुम लोग मुझ पर हंसते थे ना, आज अपने आप पर हंसो, हंसो अपने आप पर। एक बात याद रखना, तुम लोग कभी किसी बूढ़े का मजाक मत उड़ाना, भले उसके सीने में छुरा घोंप देना, लेकिन मजाक में भी उससे ये मत कहना कि तुम्हारी इकलौती संतान कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी, मत करना कभी ऐसी बात। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। मुन्ना जल्दी खोलना, देखो माँ देखो, साड़ी जरूर बापू तुम्हारे लिए लाएंगे। भाभी साड़ी कैसी है? बुरी लगे तो उसे ही गाली देना जो यहाँ पहले आया था, ये सब उसी हरामी का किया धरा है। अरे भैया तुम अपने अच्छे दोस्त को गाली क्यों दे रहे हो? अरे दोस्तों में तो गाली गलौज होती रहती है, क्यों बापू? हाँ अभी क्या, उस सोने को तो और भी गाली दूंगा।
भीरा। मैं मुन्ना। पिछाड़। ये शॉल आपके लिए। बापू ये क्या है? ओ शरबत, शरबत है उसमें। फिर तो इसे मैं भी पीऊंगा और अपने दोस्तों को भी पिलाऊंगा और कहूंगा शहर से मेरे बापू लाए। रुक जा, मुझे ना ना। अरे साली बदल तो गई। मेरे 50,000 रुपए। ये मेरे पैसे, ये मेरे। हाँ बेटे, तेरे ही हैं। इन्हें कमाने तो तू शहर गया था ना? हाँ, लेकिन ये कुछ खास काम के लिए। मैं जानता हूँ बेटे तेरे किस खास काम के लिए हैं। अब मुझे मालूम हुआ तू 1.5 साल तक शहर में क्यों था। इसलिए था ना बेटे कि हम जमींदार का कर्ज चुका सके, अपनी वो जमीन जो गिरवी पड़ी है उसे छुड़ा सके। बेटे मैं तुझ पे जितना गर्व करूं उतना कम है। आज मैं सर उठाकर जमींदार से कह सकूंगा कि देख गरीब का खून रंग लाया है, और ये कहकर ये रुपए मैं उसके मुंह पर दे मारूंगा। तुम गरीबों की यही बुरी आदत है, नोटों की गर्मी ज्यादा देर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये बात नहीं है लाला, बात यह है कि तुम गरीबों का उठा हुआ सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? उठा हुआ सर बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। हुजूर। अरे तुम केचों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रहे हो? उठाओ इनको। लेकिन प्यार से, इज्जत से, क्योंकि हम अपना रिलेशन लक्ष्मी के साथ खराब नहीं करना चाहते। माया तेरे तीन नाम पसा पसी पस राम। खामोश, उठाओ इनको। लेकिन प्यार से। माया, लाला इन्हें उठाने से पहले जमीन के कागजात वापस कर दे। आंखें टेढ़ी करके मत देख, वरना तुम लोगों की जीवन रेखा जिंदगी भर के लिए टेढ़ी कर दूंगा। नहीं देता जमीन, नहीं देता जमीन के कागजात, क्या कर लेगा तू? भूल गया, लाला से रिलेशन तो दिवाली, लाला से नो रिलेशन नो दिवाली, बट दिवाला। लाला अगर तो इसी तरह गरीबों पे जुल्म, लाला राम प्रसाद के जमीन के कागजात उसे वापस कर दो। इसे क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? सरकार वो जमीन सोना उगलती है, ऐसा मत करो। मैंने तुमसे बोला ना कि उसे वापस कर दे, फिर भी तुम बोले जा रहे हो। इतने पुराने हो गए लाला, फिर भी नए जूते की तरह मचमच करने से बाज नहीं आते। जाओ वापस कर दो, जाओ। ठाकुर सठिया गया है, ठाकुर सठिया गया है, सठिया गया ठाकुर। ये ले, उठे। ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। अरे काहे का एहसान, काहे का शुक्रिया? हाँ तुमने रुपये दिए, हमने जमीन वापस की, बात खत्म। जा जी, जा। ठाकुर आज आपने मेरा रिलेशन नए जूते के साथ जोड़ दिया, जब मैं तो शुरू से ही अपने आप को आपके पैर का पुराना जूता समझता हूँ। ऐसा जूता जो सीधा सर पर पड़ता हो वो सब तो ठीक है ठाकुर, लेकिन आपने मुझे उन कुत्तों के सामने नीचा दिखा दिया और ऊपर से जमीन के कागजात देके बहुत बुरा किया ठाकुर, बहुत बुरा किया। लाला वो जमीन मैंने इसलिए वापस कर दी क्योंकि अगर गांव वालों को ये मालूम हो जाए कि हम किसी की जमीन वापस नहीं करेंगे तो कोई अपनी जमीन गिरवी रखने हमारे पास नहीं आएगा। लाला छोटी छोटी ईमानदारी करनी जरूरी है,
बड़ी बेमानी करने के लिए। चंदूलाल ये देख मेरे जमीन के कागजात। गंगा बहन आज मैंने अपनी धरती माँ को आजाद करा लिया है। अब मैं किसी और के लिए नहीं अपने लिए अपने खेतों में हल चलाऊंगा। मेरी जमीन मेरी हो गई है। मुखिया जी बात तो खुशी की है मगर राम प्रसाद काका तो कुछ ज्यादा ही हंस रहे। कहीं इन्होंने भांग तो नहीं पी ली है? अब तक तो नहीं पी भोलू लेकिन आज मैं जरूर पीऊंगा। बरसों से अपने मन को मार कर जीता आ रहा हूँ चौधरी लेकिन आज मैं अपने मन की भड़ास निकाल के रहूंगा। मैं हंसूंगा नाचूंगा गाऊंगा। हम है भंगेड़ी हमें भंग पिला दे। अरे हम है भंगेड़ी हमें भंग पिला दे। हम है भंगेड़ी हमें भंग पिला दे। मस्ती का इसमें है भंगेड़ी हमें भंग पिला दे।
हम है भंगेड़ी, हमें भंग पिला दे। हाँ, हम है भंगेड़ी, हमें भंग पिला दे। मस्ती का इसमें रंग मिला दे, हाय रंग मिला दे। हम है भंगेड़ी, हमें भंग पिला दे। हम है भंगेड़ी, हमें भंग पिला दे। अरे राधा, अचानक ये मस्ती का माहौल छोड़कर यहां आकर बैठ गई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अपने अंधेपन को कोस रही थी। काश आज मैं भी सबको नाचते गाते देख सकती। तुम बहुत जल्द देख सकोगी राधा। हाँ, सब कुछ देख सकोगी। शिवा भैया, अरे ओ शिवा भैया, अरे जरा इसे समझाइए कि ऑपरेशन से आंखें ठीक हो जाती हैं। हाँ, ये ठीक कह रहा है। सच भैया? हाँ। अब क्या हुआ? पर ऑपरेशन का क्या भरोसा, आंखें ठीक भी हो सकती हैं और नहीं भी। राधा, अगर ठीक नहीं हुई ना तो मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें दे दूंगा। बुढ़ापे के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया तेरे बेटे ने राम प्रसाद। काश हमारे घरों में तेरे शिवा जैसा एक एक शिवा होता। भाई, मैंने बहुत इंतजार किया शिवा की वापसी का। अपने बेटे के लिए बहुत तड़पा हूं मैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा और मेरे दुखों का अंत करेगा। अंत तो मेरा कर दिया साले जज ने, पूरा कर दिया। पहले तो ये बात हमें सपने जैसी लगती थी कि हम गरीब भी ठाकुर के चंगुल से अपनी जमीन आजाद करा सकेंगे, लेकिन राम प्रसाद अब तो ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हमारी जमीन भी हमारी हो जाएगी। बस तुम अपने बेटे शिवा से कहो कि हमें भी रास्ता दिखाए। रास्ता तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर वर्मा, हमने जिंदगी में बहुत जज देखे लेकिन तुम्हारा जैसा गुरु घंटाल नहीं देखा। अरे ऐसी जेल में पहुंचा दिया जहां 10-15 फांसी के फंदे एक साथ लटक रहे। वो कहते हैं ना, खजूर से गिरे और बबूल में अटके, बाप के फंदे से नीचे उतरो तो बेटे के फंदे पे चढ़ जाओ, बेटे के फंदे से नीचे उतरो वो क्या कहते हैं, हाँ, कड़वा चौक के फंदे पे चढ़ जाओ, उससे निकलो तो बहन के फंदे पे चढ़ जाओ। और जवाब दो, आंखों का ऑपरेशन कब करवाओगे? अभी तक साला बहुत टेंशन लिया लेकिन कोई एक्शन नहीं किया, अब तो एक्शन करना ही पड़ेगा। तू? हाँ। उसके हाथ में जो कागजात है, हो ना हो वो राम प्रसाद जी की जमीन कहीं है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चल 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 चल
अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं। चल रास्ते से हट जा, वरना टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। ए, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। छीन लो इसके हाथ से कागज, और अगर ज्यादा उछल कूद करे तो इसका रिलेशन जिंदगी से तोड़ दो। अबे ओ चिता की जली हुई लकड़ी, करप्शन से अपना रिलेशन जोड़ के रख, खा पी ऐश कर और मुझे भी ऐश कर, समझा? वरना फिर से याद दिलाता हूं, टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। देखते क्या हो, छीन लो कागज। ठहरो, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। चल। चल। किधर गया? बेटे वो कागजात। हाँ जी वो बेटे, बड़ा अच्छा किया जो तुमने इन कागजात को बचा लिया। हाँ जी, मेरी जब आंख खुली मैंने देखा तकिए के नीचे कागजात नहीं है, जरूर लाला चुरा के भागा होगा। हाँ, है ना बेटे? हाँ वो भाग रहा था बेटे। बेटा हो तो तेरे जैसा। तुम ठीक कहते हो राम प्रसाद, अगर इस जैसा बेटा हो तो बुढ़ापा श्राप नहीं लगता। अरे जज वर्मा कैसा बुरा फंसाया तूने। अरे कागजात तो मेरे पास ही रहेंगे। ला बेटे कागजात मुझे। नहीं नहीं मैं इन्हें रख लूंगा। नहीं नहीं बेटे, तुम तो ज्यादा बहू संभाल के रखेगी। बहू इन कागजात को संभाल के रखना, ये हमारे पूरे घर की अमानत है। आओ बहू। अच्छा मर गया ना, अब तो ये कागजात ऐसी तिजोरी में रख दिए जिसे तो मैं छू भी नहीं सकता। तुम्हारा ये काम अपन से होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को साफ कर देना अपन के लिए आसान काम है, लेकिन किसी का भाई किसी का बेटा वो क्या बोलता है तुम, वो अपन से होने वाला नहीं है। एक बात बताओ जज साहब, मुजरिमों के बारे में सोचते सोचते अचानक उन मासूमों का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, मौत बांटते बांटते अचानक उनको जिंदगी देने के बारे में कैसे सोच लिया? हाँ? इंसानियत के नाते। अच्छा, मरने से पहले शिवाय वसीयत कर गया था कि उसके मरने की खबर उसके घर वालों को मैं दूं। मैं उसके गांव गया, लेकिन जब मैं उसके घर वालों से मिला तो यूं लगा जैसे उनकी सांसें तक जख्मी हैं और शिवा ही उन सांसों का इलाज है, और वही उनकी आखिरी उम्मीद भी, जो अगर टूट गई तो वो भी टूट जाएंगे। इसलिए मैं ये खबर उसके घर वालों को नहीं दे सका। कितनी अजीब बात है जज साहब, मौत का फैसला सुनाने वाला मौत की खबर सुनाने से डर गया। कहीं शिवा की मौत वो पाप की गठरी तो नहीं जिसे सर से उतारना आपके लिए मुश्किल हो गया? नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। शिवा ने दीनदयाल का खून किया था, उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए थी, उसे मिली। तुम हंस क्यों रहे हो?
मुझे हंसी तभी आती है जज साहब जब मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूं। सजा शिवा को नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दीन दयाल का खून मैंने किया था। अब इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि एक खून के बदले दो फांसी नहीं हो सकती। शिवा के लिए फांसी का तख्ता मैंने तैयार किया था और फांसी का फंदा आप बन गए। उस बेचारे को मरना ही था तो मेरे हाथों क्यों? बापू के दोस्त, दादू दादू बापू के दोस्त आए। चाचा मुझे एक जादू आता है। अच्छा बेटा। अरे आओ बेटे आओ, आओ बेटे। नमस्कार। नमस्ते। आओ आओ बैठो। अरे मुन्ना अपनी माँ से कहे चाचा के लिए चाय बना के ले आए। अच्छा। बैठो बैठो बैठो। बात दरअसल ऐसी है कि क्या बात है बेटे, बहुत परेशान दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? बाबा वो शिवा है ना? सारा बोझ उठा लिया है मेरे बेटे ने, घर के नहीं बल्कि सारे गांव की शान बन गया है ये। अरे बहू अभी तक चाय लेके नहीं आई, मैं लेके आता हूं। परेशान है? मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जानता था कि आप यहां जरूर आएंगे। मैं यहां सब कुछ सच सच बताने आया हूं। बता दीजिए कि वो खून मैंने किया था जिसकी सजा शिवा को मिली, यह भी बता दीजिए कि शिवा को फांसी हो गई और फांसी की सजा देने वाले आप थे। मैंने तो सोचा था यहां आकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित? वो भी तुम जैसा खूनी? हां मैं खूनी हूं, हां मैं खूनी हूं। अगर मैं खूनी हूं तो आप भी खूनी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पैसों की कमी की वजह से खून किया और आपने सबूतों की कमी की वजह से। गुनाहों की काली रात से गुजरती मेरे बचपन से लेकर आज तक की कहानी में पहली बार शंकर हार गया। बूढ़े बाप की उम्मीदों के सामने झुक गया यह शंकर। बेटे के प्यार ने झिंझोड़ दिया, बहन के रिश्तों ने जकड़ लिया है मुझे। याद है जज साहब, उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा बन नहीं सकता। तब तक मैं इन रिश्तों से अनजान था, लेकिन आज मैंने इन रिश्तों को बहुत करीब से देखा है जज साहब। इस परिवार को, इस गांव को उनके शिवा से बहुत उम्मीदें हैं। मेरी मदद कीजिए जज साहब, मैं शिवा बनकर जीना चाहता हूं, वरना यह परिवार अपने शिवा के गम में टूट के बिखर जाता। मेरी मदद कीजिए। तूने क्या सोचा? तू यहां से भाग जाएगी? घुंघरू के दाने तो घुंघरू से अलग हो सकते हैं, लेकिन तू, तू मुझसे नहीं दूर जा सकती जानम, क्योंकि मैं खानम हूं खानम। चल अंदर। मुझे जाने दो मौसी, मुझे अपने शंकर के पास जाने दो। तू अंदर चल। तुझे पाल पोस कर मिर्ची का झाड़ इसलिए नहीं बनाया
कि जब तेरा तीखापन बेचने का वक्त आए तो गटर में छलांग लगा दे। वैसे भी शराबी और खूनी का भरोसा क्या है, तू उसके लिए तड़प रही है। वो उधर हो सकता है किसी का सर अपनी छाती पे रखे आराम से खर्राटे ले रहा हो। सब राधा फिर से देख सकेगी ना? इसकी मुझे उम्मीद तो है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि बहुत सी बातें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। या परवरदिगार, मैं कितना बदकिस्मत हूं कि मैं दुआ तो मांग सकता हूं मगर दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता। या परवरदिगार, तू आज मेरी एक दुआ कबूल कर ले। मेरी जिंदगी के अंधेरे के सदके में हमारी बहन राधा की आंखों की रोशनी लौटा दे परवरदिगार, रोशनी लौटा दे। आमीन। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे चलो। मैं बिहारीलाल बजाज हूं। इस देश में जितने भी कागज के कारखाने हैं एक दो को छोड़कर सब मेरे हैं। आपके लिए तोहफा लाया हूं। यह आपने गलत किया। क्यों? बिहारीलाल बजाज जिनका कागज का कारोबार हो उनको अग्नि देवता से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने गरीबी की गुदड़ी से अमीरी की गद्दी तक हर चीज को इतने गौर से देखा है कि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जरा देखें तो सही, आपके पास कौन सा तोहफा है और उसके पीछे आपका मतलब क्या है? ये मेरे हैं और इनके बदले मुझे सिर्फ मिट्टी चाहिए। हजूर, ये हीरा और मट्टी का रिलेशन समझ में नहीं आया? हमें भी समझ नहीं आया सरकार। मैं आपके गांव में कागज बनाने के कारखाने खोलना चाहता हूं। हाँ, उसके लिए आपको जमीन चाहिए। हजूर, हमारे सरकार के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि 10 लाख आदमियों की चिता एक साथ जलाई जा सकती है। कारखाने खुलने से गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी, वो तरक्की करेंगे, खुशहाल हो जाएंगे। ठहर, जानते हैं ये कौन है? ये यहाँ के स्कूल के मास्टर हैं, लेकिन सरकार ने स्कूल को बड़ा मोटा ताला लगवा दिया है और इनका कनेक्शन यहाँ जोड़ लिया है। अब ये बच्चों को पढ़ाने की जगह सरकार को चाय पिलाते हैं। वाह, चल जा रख दे चाय वहाँ। मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा के लिए गरीब, अनपढ़ और अंधे बने रहें और मैं उनको जुल्म की चक्की में पीसता रहूं। बिहारी लाल,
जब तक गरीबों के तन पर फटा हुआ कपड़ा रहेगा तभी तक हम जैसे अमीरों के घर पे रेशम का पर्दा रहेगा। और तुम चाहते हो कि ये लोग तरक्की कर जाएं, ये खुशहाल हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं। जाइए आप यहां से। आप खाम खा नाराज हो गए ठाकुर साहब। गरीबों के उद्धार की बात करना तो आजकल फैशन हो गया है, इसलिए मैंने भी कह दिया। वरना मैं तो यहां आपके और अपने फायदे की बात सोचकर आया था। फैक्ट्री में आप और हम आधे आधे के पार्टनर होंगे और महीने का आपको 10 लाख मुनाफा हो जाएगा। 10 लाख? काम अगर अच्छा चलता रहा तो 20 लाख भी हो सकता है। 20 लाख? कहिए ठाकुर साहब, ये सौदा आपको कैसा लगा? गांव वालों, ठाकुर साहब भी इंसान है, एक नेक इंसान, कोई हवान या शैतान नहीं। वो आप लोगों पर ब्याज का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए ठाकुर साहब ने ये फैसला किया है कि आज से वो गांव वालों से ब्याज नहीं लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ठाकुर साहब कितने दयालु हैं। गांव वालों, अगर असल पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज जोड़ा जाए तो आप लोगों की जमीन तो क्या, घर बार, कपड़ा, बर्तन सब कुछ ठाकुर साहब के नाम पर हो जाएगा। लेकिन ठाकुर साहब, हा हा हा, नेक आदमी है ना, आप लोगों के घर बार तक नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि जिस जिसकी जमीन उनके पास गिरवी पड़ी है, अगर वो जमीन ठाकुर साहब के नाम पे कर दे तो वो असल और ब्याज दोनों चुकता कर देंगे। आई घबराइए मत, परेशान मत होइए, ठाकुर साहब उन जमीनों पर फैक्ट्रियां बनाएंगे, कारखाने खोलेंगे, गांव के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगी। उधर ठाकुर साहब के कारखाने चलेंगे और इधर गरीबों के घर के चूल्हे जलेंगे। जिस जिसको मंजूर हो तो बड़ी खुशी की बात है, और जिस जिसको ठाकुर साहब का ये सौदा मंजूर नहीं, वो 10 दिन के अंदर अंदर ठाकुर साहब का कर्जा वापस कर दे, वरना सूद पे सूद और उसमें सूद जोड़कर हिसाब का इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा बना दिया जाएगा कि कर्जदार का सब कुछ ठाकुर साहब के नाम हो जाएगा। मैं गांव वालों, तुम लोगों को सिर्फ 10 दिन की मोहलत देता हूँ, सिर्फ 10 दिन की मोहलत। अबे ओ, चिता की जली हुई लकड़ी, खून से पेट नहीं भरा, मांस नोचने को उतार आया है? हाँ, जा जाके अपने ठाकुर से कह दे कि हम गरीब अपनी जमीन किसी भी कीमत पर ठाकुर के नाम नहीं करेंगे। भाइयों, हम सरकारी बैंक में जाएंगे, हम अपनी जमीन सरकार के पास गिरवी रखकर सरकार से कर्ज लेंगे और ठाकुर का पैसा, एक एक पैसा चुका देंगे, हमारा सब कर्ज उतर जाएगा। मैं अभी और इसी वक्त शहर जाता हूं। अजी, आजकल बैंकों की यह हालत हो गई है कि एक बैंक दूसरे बैंक से कर्ज मांग रही है और तुम गांव वालों की जमीनों पर कर्ज मांगने आए हो। साहब, गांव वाले बैंक से कर्ज नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आजकल हमारे बैंकों की यह पोजीशन है कि हम किसी को 1 रुपया भी लोन नहीं दे सकते। अब जाइए, आई एम सॉरी। इसे कहते हैं मीठी छुरी से गर्दन काटना। वाह, क्या कनेक्शन काटा है। ये रहा आपका नजराना। लाला से रिलेशन तो दिवाली, लाला से नो रिलेशन नो दिवाली, बट दिवाला। शिवा भैया, अरे शिवा भैया आ गए, अरे रामू काका, शिवा भैया आ गए, शिवा भैया आ गए, रामू काका, शिवा भैया आ गए। क्या हुआ शिवा बेटा, क्या कहा बैंक मैनेजर ने? तुम चुप क्यों हो शिवा भैया? भैया, बैंक से कर्ज मिलने की कोई उम्मीद नहीं। क्या हम लोगों को कभी खुशी के दिन नसीब नहीं होंगे बेटा? ये है कागज के कारखाने का नक्शा और इसके लिए मुझे ये सारी जमीन चाहिए। कितनी चाहिए, कितनी? लाला प्लीज, मुझे ठाकुर साहब से बात करने दो। हाँ, आप मुझसे जरूर बात कीजिएगा, मगर ये नक्शा लाला को ही दिखाना पड़ेगा। सेठ जी, ठाकुर साहब और मेरा रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान और यमराज के बीच में होता है। ठाकुर साहब, जमींदार होने के नाते आपको
जमींदारी का कामकाज भी देखना चाहिए। मेरी माँ को भी जमींदारी के काम से कोई मतलब नहीं था, वो तो बेचारी जिंदगी भर चुटकी भर सिंदूर के लिए तड़पती रही। उसी तरह मुझे भी जमींदारी के नींबू से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसका निचोड़ा हुआ रस चाहिए। सेठ जी, कारखाने के लिए जितनी भी जमीन चाहिए ना, ये तो सब गांव वालों की है। तो फिर हमारा काम कैसे होगा? हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से अब ये सारी जमीन हमारे पास गिरवी पड़ी है, हम इसे हजम भी कर लेंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। समस्या सिर्फ इस जमीन की है। ये जमीन का टुकड़ा राम प्रसाद का है, ये भी हमारे पास पहले गिरवी पड़ा था, मगर ठाकुर साहब की मेहरबानी से हमारे हाथ से निकल गया। अब ये टुकड़ा हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। ये तो बीच की जमीन है, और भी जरूरी है। कुर्सी में खटमल है क्या? नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो गए? यारीलाल, ठाकुर के मेहमानों को लाशों की तरह निश्चिंत रहना चाहिए। बैठिए आप। बैठ। लाला, तुम राम प्रसाद के पास जाओ और उसे कहो कि उसकी जमीन किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। राम प्रसाद जी, मैंने कहा राम प्रसाद जी। क्या बात है? राम प्रसाद जी नमस्कार। आज के बाद आपके घर में नो दिवाला, ओनली दिवाली, हरियाली। ये बर्तन है गढ़वाली, ये सब आपके लिए है। राम प्रसाद जी, उस दिन इस लाला की अक्कल पर ताला लग गया था और चाबी कहीं पर खो गई थी, इसलिए हमने आपके बर्तन तोड़ डाले। आज मैं आपके लिए नए बर्तन लेके आया हूँ ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। देखते क्या उल्लू के पट्टो, लेट जाओ। ये बर्तन स्वीकार कीजिए। भाभी माँ, भाभी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भाभी माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल बचपन के अंदर मेरे माँ बाप मर गए, कीचड़ के अंदर मैं पला बड़ा हुआ भाभी माँ, इसलिए मेरे दिमाग के अंदर भी कीचड़ घुस गया। उस दिन जो कुछ मैंने आपको कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा। देखिए भाभी माँ, एक अनाथ को क्षमा करोगी ना तो भगवान आपके खाते में और पुण्य लिख देगा। वैसे भी भाभी माँ, मैं एक पका हुआ आम हूं, ना जाने कब टपक जाओ। कहिए ना आपने मुझे माफ किया, कहिए। इधर आ। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाभी माँ, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है। वैसे भी मैंने फैसला किया है कि अब मैं सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा करूंगा। वो जो आपकी जमीन है ना, जो आपने ठाकुर साहब से वापस ले ली थी, अरे मैं उस 2 कौड़ी की जमीन के लिए आपको लाखों रुपया दिलवा दूंगा, लाखों रुपया। लाला, मेरा मुंह काला। अच्छा, तो ये बात थी, इसीलिए इस तरह कुत्ते की तरह भौंक रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं भौंक नहीं रहा था, मैं तो प्यार की बात कर रहा था। खून पीने वाले भेड़ियों के मुंह से कभी दूध नहीं निकलता, यहां से फौरन निकल जा, नहीं तो इस तरह निचोड़ दूंगा कि गले से खून निकल आएगा। जा, देख लूंगा, आज के बाद तुम्हारी कोई दिवाली नहीं। अरे तो दिखने पड़े, सबको देख लूंगा। बेटे बेटे, ये जो जमीन है ना, सिर्फ जमीन नहीं होती, ये हमारी मां है, इसे किसी भी कीमत पर इन भेड़ियों के हवाले मत करना। वादा कर बेटे, वादा कर। मैं वादा करता हूं, मेरी ये जिंदगी जाए तो जाए, मगर ये जमीन नहीं जाएगी। उस नंगे भूखे ने जमीन देने से इनकार किया, खत्म कर दो उसे। Thank you.
सरकार, इस बार तो मेरा कनेक्शन मौत से जुड़े जाता। कुत्ते की तरह मारा उसने मुझको, लेकिन मैं किसी तरह से बचकर आ गया हूँ लंगड़ा लूला होकर। बोल क्या हुआ तेरे साथ? मेरी तो जब मैं वहां पहुंचाना, अरे ये क्या किया तूने? मुझसे रिलेशन तोड़कर मुझसे कनेक्शन जोड़ लिया। अरे ऊपर वाले, तेरे को भी बिल्कुल तरस ना आया? अभी अभी तो इस बेचारे ने अपनी जमीन छुड़वाई थी, अभी अभी तो इसकी अंधी बेटी की आंखों की रोशनी आई थी। अरे ऐसे थोड़ी सी खुशियां तो देख लेने देता, कम से कम ये अपनी बेटी का ब्याह तो रचा लेता। बेदर्दी, तूने तो मुझसे कहा था कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और तू मुझसे हाथ छोड़कर चला गया। लेकिन मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं। हरामजादे, कोरे कागज पर उंगली लगाकर जमीन हड़पना चाहता है, जमीन हड़पना चाहता है कमीने, जमीन हड़पना चाहता है। ठाकुर साहब, अगर वो जमीन नहीं मिली तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि इस गांव में कोई भी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन लगता है गांव के लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं। मैं जब से पैदा हुआ तब से ये दुनिया मेरे अगेंस्ट है, लेकिन क्या फर्क पड़ा मुझे? आज भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारखाना बनेगा, जरूर बनेगा, चाहे वो जमीन पर बने या लाशों के ढेर पर। छोकरी भाई साहब, आपने मेरे शंकर को कहीं देखा है? शिवा? ये शिवा नहीं, ये मेरा शंकर है। ये लड़की ठीक कहती है, ये शंकर है, शहर का खतरनाक गुंडा। ठाकुर साहब, शंकर की शक्ल बिल्कुल शिवा से मिलती है, यानी के रिलेशन का कनेक्शन हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि शंकर से शिवा का खून करवा देते हैं और फिर इसे शिवा की जगह बिठाकर जमीन का सौदा कर लेंगे। ठाकुर साहब, ये आइडिया रखिए मत, जल्दी से काम करवा लीजिए। आए आओ आओ बिहारी लाल, बहुत दिनों के बाद। किसकी मौत का पैगाम साहब लेकर आए हो? शंकर, ये हैं ठाकुर कृपाल सिंह जी। इनकी तारीफ ये है कि गांव की कोई ऐसी दीवार नहीं जिस पर खून के छींटों से इनके जुल्म की कहानी न लिखी गई हो। और मजे की बात यह है कि इसके बावजूद भी सरकार के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। कुत्ता कमीना, अपने आप को समझता था, लेकिन तुमसे मुलाकात करने के बाद ऐसा लगा कि मुझसे भी बड़े बड़े कमीने इस धरती पे हैं। अरे बिहारी लाल, तुम तो अच्छे कसाई हो, बकरे को साथ लायो हलाल करने के लिए? नहीं नहीं शंकर, ठाकुर साहब हमारे दोस्त हैं, यार हैं। हट साला, मैंने तो सोचा था इस गटर की नाजायज औलाद को मार के कुछ पुण्य का काम करूंगा। खैर, दादिका किसका करने का है? ए,
ये तो बिल्कुल मेरे माफिक लगता है। मूछ लगाकर अगर मेरी छमिया के पास चला गया ना, वो भी धोखा खा जाएगी। काम हो जाएगा, नोट बता। ये ले 30,000 रुपये। अबे उस साले, टेंशन दे रहा है क्या? एक्शन हो जाएगा। 30,000 में तो उंगली नहीं कटती, तो गर्दन कटवाने चला है। शंकर, शंकर प्लीज, एक मिनट, एक मिनट। ठाकुर साहब क्यों टेंशन देते हो? जमीन के कागजात पर दस्तखत भी इसी से करवाने हैं। 20,000 और निकालिए। ये लो शंकर। ये एडवांस कट जाने के बाद और 50। चल पतली गली, इस साले की शक्ल अच्छी नहीं लगती। आइए ठाकुर साहब, आइए ना। वो रहा आपका शिकार। साले का सर धड़ से अलग कर दिया, सिर्फ लुढ़काया नहीं दुश्मन को, दफन भी कर दिया। कुछ ही हफ्तों में मिट्टी खा जाएगी। चल इसे संभाल। इसमें डाल दे। सर अपुन की उंगली का निशान है, कहीं ये निशान कानून तक पहुंच गया ना तो अपुन के साथ साथ तुम तीनों भी फांसी पे लटक जाओगे। चल। तूने ये काम तो कर दिया है, हम पे एक और एहसान कर दे। क्यों, तुझे भी मरना है? नहीं, मुझे नहीं मरना है। तू शिवा बनकर उस घर में घुस जा और जमीन के सारे कागजात हम तक पहुंचा दे, बस तेरा काम खत्म। चल माल निकाल। निकाल? हाँ। ये लो। पतली गली, इस साले की शक्ल अपुन को अच्छी नहीं लगती है? मुझे अच्छी लगती है। इतने दिनों से शिवा ने नींद हराम कर रखी थी। अच्छा हो गया साला मट्टी में दफन हो गया। आज चैन की नींद सोऊंगा, चैन की चादर ओढ़ के ओले। शिवा, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं, मुझे हाँ, मुझे मुझे नहीं मारना। मेरे पिताजी को किसने मारा? मेरी हत्या क्यों कर दी गई? जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। सबके पीछे ठाकुर का हाथ है। ठाकुर का, रामप्रसाद की जमीन के लिए ठाकुर ने उसे मरवा दिया
और तुम्हारा भी खून कर दिया। मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं। भूत, 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 अरे उठ, अरे उठ जा, उठ उठ, भूत, मेरे कमरे में भूत, शिवा का भूत, भाई खाते की कसम। लाला आज के जमाने में भूत की बात करते हो, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, जाओ सो जाओ। अरे तुम्हारे शहर में नहीं होता होगा, हमारे हमारे काम भूत होता है। लगता है तूने ज्यादा चढ़ा ली है, जरूर सपना देखा होगा। ऐसा करो आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं कहीं जाने वाला, बिस्तर बना से, मैं बिस्तर के नीचे चला जाता हूँ, बिस्तर के नीचे। आप ऊपर क्या नीचे तुम मेरे बाप को किसने मारा, किसके कहने पर मेरी हत्या की गई, जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ। मुझे नहीं मार, इस सबके पीछे ठाकुर का हाथ है, ठाकुर का। राम प्रसाद की जमीन के लिए ठाकुर ने उसे मरवा दिया। अच्छा साहब, आपको अच्छी तरह से याद होगा उस दिन चिता पर आपने मुझे कानून का वास्ता देकर मेरे दिल में भड़कती हुई आग को कानून के दायरे में कैद कर दिया था, और अब मैंने उसी कानून के दायरे में ही रहकर उन मुजरिमों को इस तरह जकड़ लिया है कि उनकी हर सांस कानून के शिकंजे में है। सबूत आपके कदमों में है और इंसाफ आपके हाथों में। मैं कल ही शहर जाकर उनके नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलवाऊंगा और उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कानून की औलाद देख, शिवा भैया के दोस्त। जसाब, जसाब, शिवा, ये क्या हुआ जसाब, किसने किया ये? शिवा, मेरे कर्मों ने मेरी हत्या की है, शायद मेरे किसी गलत लिखे हुए फैसले ने आज मेरी मौत लिख दी है। सोचा था जिंदगी भर शाही से फैसले लिखूंगा, लेकिन आज अपना आखिरी फैसला खून से लिख रहा हूं। खून से? हाँ शिवा, कानून का ये मुहाफिज, कानून के नक्शे कदम पर चलने वाला ये जज आज अपना आखिरी फैसला खून से लिखना चाहता है। ठाकुर और उसके आदमियों को आज जज मरा है, कल एक एक करके सारा गांव मर जाएगा, तुम सबकी चिताएं जलेंगी और इस गांव से चिताओं का काला धुआं नजर आएगा। आंखें खोलो गांव वालों, होश में आओ, अभी भी होश में आओ। आ!
इस रूप में तेरे सामने आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि इस पापी कंधे पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ था और पीठ के पीछे खड़ा था कानून। लेकिन आज तेरे फैसले का दिन तय है। अब तक तूने गांव की दीवारों पर मासूमों के खून के छींटे उड़ाए हैं, लेकिन आज मैं तेरी दीवारों पर तेरे ही खून के छींटे उड़ाऊंगा। तेजाब के छींटे तो चीजों को जला देते हैं, लेकिन तेरे खून के छींटे जुल्म की कोख को पांच बना देगी। फिर ना ही पैदा होगा यहां कोई जालिम और ना ही होगी कोई जुल्म की कहानी। देख देख, गुस्से से कनेक्शन छोड़, वरना इसके बदन से खून की छींटों की जगह खून के फवारे निकल पड़ेंगे। अबे ओ टूटे चम्मच, अब तक तुम लोग बारूद से दूर थे, अब बारूद पर खड़े हो, समझा दे इसे। ना, बारूद पर नहीं, तेरी कमजोर नस पर पांव रख दिया है, और वो तो रखूंगा, इसलिए कि मैं कमीना था, कमीना हूं और कमीना ही रहूंगा। इसको भी तेरी तरह मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता कि इसको मुझे देख देख कर ज्यादा कष्ट हो। लाला, उठा लो इसके खून के छींटे। ठाकुर। ओ हुसैन, तू बिना हाथ का न किसी की मदद कर सकता है, न किसी लाश से लिपट कर रो सकता है, न किसी अर्थी को कांगा दे सकता है, फिर तू क्यों आ गया रे? याद है मैंने तुझे क्या कहा था ठाकुर, हाथ भी कट जाए तब भी दुआओं की तासीर में कभी कमी नहीं आती। ठाकुर, उन्हीं दुआओं की वजह से आज मेरे पास सैकड़ों हाथ हैं। देख, देख। देख ठाकुर, जितने खून के कतरे तूने बहाए हैं आज तेरी मौत बनकर तेरी ही दहलीज पर आ गए हैं। Ah! 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 Ah!
मैं खाता हूं। मर नहीं सकती, मुझे आपको कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। यही ना कि तुम वो नहीं हो, ये तो मैं पहले ही से जानती थी, पर तुमने एक बच्चे को विश्वास दिलाया कि तुम उसके बाप हो, एक बहन को भाई होने का एहसास दिया है। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन सिर्फ एक वादा करो कि तुम दोनों ये मुन्ना और राधा पर कभी जाहिर नहीं होने दोगे, वादा करो, वादा करो। शंकर चलो घर चले। शंकर? कौन शंकर? मैं तो शिवा हूं, शिवा।